हेलो, मैं विजय वर्मा, यूपीएससी एमसीक्यूज वाला चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूँ। मैं यूपीएससी सीएससी 2023 में होने वाली प्रारंभिक परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों के संदर्भ में यह वीडियो बना रहा हूँ। तो आप सभी से निवेदन है, इसको ध्यान से सुने और इसको अटेम्प्ट करें और अपना मूल्यांकन खुद करें कहाँ तक आप तैयार हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ओपन मार्केट ऑपरेशन के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला, सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों और वित्तीय संस्थान OMO में भाग ले सकते हैं। नंबर दो, आरबीआई ने सेंट्रल बैंक के साथ गिल्ट खाते खोलकर खुदरा निवेशकों को भी गवर्नमेंट सिक्योरिटी में निवेश करने की अनुमति दी है। नंबर तीन, अप्रैल 2021 में आरबीआई ने लगभग 10,000 करोड़ रुपए के ओपन मार्केट ऑपरेशन के माध्यम से सरकारी प्रतिभूतियों के एक साथ खरीदी और बिक्री की है। नंबर चार, आरबीआई द्वारा गवर्नमेंट सिक्योरिटी की बिक्री से बाजार में तरलता कम होगी और आरबीआई द्वारा गवर्नमेंट की सिक्योरिटी खरीदी से तरलता में वृद्धि होगी। नंबर पांच, ओपन मार्केट ऑपरेशन आरबीआई द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों और ट्रेजरी बिलों की बिक्री और खरीदी की जाती है। उपरोक्त में से कौन सा ऑब्लिक से ओपन मार्केट का ऑब्लिक के संदर्भ में सही है? ऑप्शन ए 1, 2, 3, 4, 5, ऑप्शन बी 1, 2, 3, ऑप्शन सी 1, 3, 4, 5, ऑप्शन डी 2, 3, 4, 5। आपको 10 सेकेंड दिया जाता है, इसका सही जवाब दीजिए। चलिए, आपका 10 सेकेंड पूरा हुआ। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। इसी तरीके के एमसीक्यूज लगाने के लिए मेरे चैनल पे लगातार बने रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और जुड़े रहिए। धन्यवाद।